किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो चलिए किसान साथियों, बात करते हैं सभी बड़ी मंडियों की अपडेट पाने के लिए। किसान साथियों, सभी बड़ी मंडियों की जो अपडेट है वो हमारे पास आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस मंडी में कैसा माहौल देखने को मिला है। तो चलिए किसान साथियों, सभी मंडियों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अगर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं बेंगलोर मंडी की। यहाँ पर 550 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिला है। अगर नासिक मंडी की बात करें तो 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिला है। वहीं पर अगर पुणे मंडी की बात करें किसान साथियों, तो 700 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो आलू है वो देखने को मिला है। वहीं पर किसान साथियों, बात करते हैं वेस्ट बंगाल की बांकुरा मंडी की, तो 550 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिल रहा है। कोलकाता मंडी की बात करें तो 700 रुपये से लेकर 800 रुपये। पुरुलिया मंडी की बात करें, 600 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिल रहा है। वहीं पर वर्धमान मंडी की अगर आलू की बात करें तो 550 रुपये से लेकर 750 रुपये। और किसान साथियों, अगर बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो यहाँ पर किसान साथियों जो आलू है, संभल का आलू 340 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति 50 किलो के पैकेट के हिसाब से देखने को मिला है। और किसान साथियों, पंजाब हरियाणा साइड का 280 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति 50 किलो के पैकेट के हिसाब से देखने को मिला है। जहांगीराबाद साइड का आलू 350 रुपये से लेकर 420 रुपये और LR आलू 450 रुपये से लेकर 500 रुपये। वहीं पर किसान साथियों, जो सूर्या आलू है 550 रुपये से लेकर 560 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसान साथियों, राजस्थान की जयपुर मंडी की, 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से। जोधपुर में 850 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। वहीं पर किसान साथियों, अगर बात करें शाहजहाँपुर मंडी की, तो 500 रुपये से लेकर 800 रुपये सफ़ेद वाला आलू, चिप्सोना आलू 800 रुपये से लेकर 900 रुपये, LR आलू 500 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगर इंदौर मंडी की बात करें तो ज्योति आलू 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये, पोखराज आलू 800 रुपये से लेकर 1100 रुपये, चिप्सोना आलू 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये, गुल्ला आलू 500 रुपये से लेकर 800 रुपये, छर्री आलू 600 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। वहीं पर किसान साथियों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में 400 रुपये से लेकर 450 रुपये सफ़ेद वाला और 490 रुपये से लेकर किसान साथियों 500 रुपये लाल वाला आलू देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आगरा मंडी की बात करें तो 500 रुपये से लेकर 750 रुपये और किसान साथियों जो मीडियम है वो 400 रुपये से लेकर 675 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, जो कानपुर मंडी है, यहाँ पर कानपुर मंडी में 37-97 आलू 300 रुपये से लेकर 320 रुपये 40 किलो के मन के हिसाब से, और हाइब्रिड आलू 250 रुपये से लेकर 270 रुपये, गुल्ला आलू 220 रुपये से लेकर 260 रुपये, एवरेज क्वालिटी का आलू 200 रुपये से लेकर 300 रुपये, और किसान साथियों हाईलैंड आलू 300 रुपये से लेकर 370 रुपये, सिंदूरी आलू 370 रुपये से लेकर 330 रुपये प्रति किसान साथियों 50 किलो 40 किलो के मन के हिसाब से देखने को मिल रहा है।